दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी के बार बार ये प्रश्न आ रहे थे कि हिंदी का कट ऑफ बताया जाए। तो TGT की जो आपकी परीक्षा हुई थी 9th और 10th की, ये परीक्षा आपकी हो चुकी है। तो इसमें मैं आप सभी से हिंदी का जो कट ऑफ कितना जा सकता है, बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ। तो देखिए काफ़ी ये एक आप सभी को मैंने कम्युनिटी टैब में ये चीज़ डाली थी, टेलीग्राम पे भी आपको कट ऑफ के लिए दिया गया था, सभी के कमेंट आए हैं और उसके बाद जो कट ऑफ निकाली गई है वो हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो आपके आंसर्स रहे हैं और ये किस आधार पर मैंने बताया है, ये भी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले ये आप मेरे टेलीग्राम पर देख सकते हैं जहाँ की पोल हुआ था, और इसमें जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो 85 to 90 के बीच है, फीमेल की भी 85 से 90 के बीच में ही है। फिर वहाँ पे जनरल मेल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वोट हुआ है वो 85 से लेके 90 के बीच में है, ठीक है। और वहीं पे फीमेल की बात करूँ तो देखिए जनरल मेल इसके बाद पहला जो है वो 22% लोगों ने, यानी कि यहाँ जो है 416 वोट आए हैं, 416 लोगों ने जो है इसमें वोटिंग की है, और जिसमें सबसे अधिक जो वोट आए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल फीमेल के बीच जो कट ऑफ रहा है वो 65 से 75 के बीच रहा है, वहीं पे मेल का 85 से 90 के बीच है, ठीक है। ये तो रहा टेलीग्राम का, अब बात करेंगे यूट्यूब पे। तो यहाँ पर YouTube की कम्युनिटी सेक्शन में जो है मैंने आप सभी से वोटिंग करवाई थी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1200 बच्चों के द्वारा जो है ये वोटिंग की गई है फिलहाल तक, और भी बढ़ सकते हैं। और इसके बाद सबसे अधिक जो इसमें प्रतिशत है वो है 65 से 70। तो यहाँ पे सभी कैटेगरी के लोगों ने वोट किया है, यहाँ पे केवल जनरल ने नहीं बल्कि सभी कैटेगरी के द्वारा जो है वोटिंग हुई है, और इसमें सबसे अधिक जो आया है वो है 65 से 70। इसके बाद जो अगली हाईएस्ट वोटिंग गई है देखिए 27%, वो है 85 से 90 के बीच, ठीक है। और इसके बाद 75 से 80 के बीच। फिर यहाँ आपके कमेंट आए थे कि जैसे मैंने हाईएस्ट यहाँ पे 85 से 90 रखा था, तो आपने मुझे ये कमेंट किया कि मैम इससे ज़्यादा जो है कट ऑफ आप रखिए। तो देखिए मेरा सेकंड जो है मैंने यहाँ पे फिर से आप सभी के लिए ये प्रेडिक्शन जो है मैंने आपके लिए तैयार की थी। इसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 90 तक था, तो यहाँ पे 90 से ऊपर का है, तो देखिए 90 से 95 के बीच 66% जो है लोगों की वोटिंग हुई है, यानी अधिकतम जो है मार्क्स यहाँ पे लोगों ने कमेंट किया है वो है 90 से 95 के बीच। हालांकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल 333 वोट ही आए हुए हैं, लेकिन उसके आधार पर बात करें तो 90 से 95। तो अब हमारा क्या रिज़ल्ट कहता है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 90 से 95 के बीच जो बात हुई है ऐसा बहुत कम जाने के चांसेस हैं। यहाँ पे जो कट ऑफ जा सकती है जनरल मेल की वो कितनी जा सकती है, तो 80 से 85। अब आप कहेंगे कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकती है, या फिर इससे अधिक भी जा सकती है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे प्रेडिक्शन का आधार क्या है, ये मैंने क्यों एक अनुमानतः कट ऑफ ये इतना बताया है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इसमें कितने बच्चे जो है उन्होंने अप्लाई किया था, तो ये करीब 20,000 बच्चे जो थे वो उन्होंने इस पेपर को दिया है, यानी हिंदी विषय से जो पेपर देने वाले थे करीब करीब 20,000 बच्चे थे, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी, तो पिछली बार की कट ऑफ जो है आपकी 55 रही थी, ठीक है। जनरल मेल की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें जो कट ऑफ गई थी वो थी 55, क्योंकि पेपर भी मुश्किल था, करने वाले बच्चे भी कम थे। इस बार क्या है, बच्चों की संख्या भी अधिक है, पेपर भी आसान गया है, तो इसलिए कट ऑफ जो है हाई जाने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे फिर एक कट ऑफ के ऊपर मैं बात कर लूँ, तो हिंदी के पेपर की मैं अगर बात करूँ तो हिंदी का पेपर आपका 80 नंबर का था, 80 में से ये मान के चलिए कि 15 नंबर यानी 10 से 15 नंबर का जो प्रश्न था वो मुश्किल था, हालांकि
इससे भी कम ही था, लेकिन फिर भी एक मैं एक्स्ट्रा ही लेके चलती हूँ। तो 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपके मुश्किल आए थे, यानी फिर भी अगर मैं बात करूँ तो 80 में से 65 से 70 नंबर विद्यार्थी आराम से ला सकते हैं। पेपर इतना इजी था कि 65 से 70 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। या फिर अगर फिर भी आपको ज़्यादा लग रहा है तो हम 60 से 70 के बीच ही लेके चलते हैं, तो आपके 60 से 70 नंबर आराम से हिंदी विषय में ही आ सकते हैं। और अगर 40 नंबर की, क्योंकि 30 नंबर तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है तो उसको तो हमें जोड़ना ही नहीं है, 120 नंबर का पेपर है आपका, उसमें अगर आपने 60 नंबर इसमें ले आए हैं हिंदी में और 15 ही नंबर आपके 40 में से जीके वाले सेक्शन में आते हैं, तब भी आपके मार्क्स कितने बन गए, 75 बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी ज़्यादा नंबर आपके जुड़ सकते हैं, क्योंकि या फिर कम भी हो सकते हैं, क्योंकि सारा डिपेंड जो है आपके मार्क्स का करेगा वो है आपका जीके जीएस का। क्योंकि जो हिंदी इसमें पूछी गई थी, यानी कि वो थोड़ी, अब जो जीके जीएस है वो आपके मार्क्स कितने काटता है या उसमें आप कितना अचीव कर पाते हैं डिपेंड इस पे करेगा। रही बात, तो हिंदी का पेपर तो काफ़ी आसान था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सबके मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए, मेरा प्रेडिक्शन या फिर एक अनुमानता है जो कट ऑफ मेरे हिसाब से जा सकती है वो है, हालांकि इसमें भी आपका कम हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ मैंने 80 से 85 कहा है तो यही आएगा, इसमें +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है कट ऑफ पे निर्भर करती है। बहुत सी चीज़ों को निर्धारित करने के बाद कट ऑफ जो है वो तैयार की जाती है, तो ये एक अनुमानतः कट ऑफ है। ठीक है, तो जनरल मेल की जो है वो 80 से 85 है, जनरल फीमेल 70 से 75 के बीच है, 120 में से ये मार्क्स की बात हो रही है। ठीक है, EWS मेल की 70 से 75 जाने की संभावना है, EWS फीमेल की 65 से 70, EBC मेल 60 से 65, EBC फीमेल 60 से 65, BC की 55 से 60, वहीं पे BC फीमेल 50 से 55, SC की 50 से 55 जाने की संभावना है, और SC फीमेल, देखिए यहाँ तक मैं बात करूँ तो SC और ST ये 50 से 55 के बीच ही एवरेज इनका रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। वही BCL की बात करूँ तो 45 से 50 के बीच जा सकती है। अब यहाँ पे पिछली बार जो कट ऑफ गई थी BCL की वो आपका 41 था, वहीं पे ST की बात करूँ तो ये आपका 42 गया था। तो पिछली बार कम संख्या होने के बाद आपका 42 गया था, तो इस बार अगर मैंने प्रेडिक्शन में आपका ये लगाया है कि अनुमानतः 50 से 55 जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो इस हिसाब से है, इसमें आपका प्लस माइनस हो सकता है, ज़्यादा कम नहीं होगा या बहुत ज़्यादा इससे ऊपर नहीं जाएगा, यानी 85 से ऊपर कट ऑफ कम ही चांसेस है कि जाए, लेकिन एक एवरेज की बात करूँ तो यहाँ इतना कट ऑफ जरूर जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि यही कट ऑफ जाएगा, लेकिन एक अनुमानता हम लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। मैंने आप सभी को सारे आइडियाज़ दे दिए हैं कि किस आधार पर आपको मैं ये सारी चीज़ें जो है बता रही हूँ, तो यहाँ पर आपको ये जानकारी हो गई होगी, क्योंकि बार बार प्रश्न आ रहा था कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल आपको मिल गई होगी कि आपको कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है कि हमारा स्कोर कितना हो कि हम स्वयं को सेफ समझें। कई लोग यहाँ पे ये भी सोचते हैं कि हम कितने तक वाले जो है इसमें सेफ हो सकते हैं, तो अगर फिर भी ये तो एक कट ऑफ है, सेफ की बात हो रही है यहाँ पे कि कितने प्रतिशत हम सेफ हो सकते हैं, तो अगर आपके 70 नंबर बन रहे हैं तो आप इसको सेफ जोन में समझ सकते हैं। पिछली बार भी बात हुई थी तो 65 से 70 भी गया हुआ था, और इस बार भी मैं यही कहूँगी कि जिनके मार्क्स 70 बन रहे हैं वही इस बार स्वयं को सेफ जोन में समझें और आराम से सोच सकते हैं कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी रहेगा जल्दी आप सभी के सामने रिजल्ट भी नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, 15 जनवरी के बीच तक जो रिजल्ट रहेगा आप सभी के सामने रहेगा। तो चलिए, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।